तो गाइस फाइनली मैंने अपने पोको X3 में एंड्रॉइड 11 के अपडेट को इंस्टॉल कर लिया और मी वर्जन की दोस्तों बात कर लेते हैं आप लोगों को, तो मी वर्ड 12.0.1.0 की अपडेट देखने को मिल जाता है। सो गाइस जैसे ही आप अपने पोको X3 को एंड्रॉइड 11 के अपडेट में अपडेट करेंगे तो सबसे पहले जो चेंज आपको देखने को मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10 वाली जेस्चर की सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस जेस्चर की बात कर लेते तो काफी अच्छी तरीके से हमारे फोन में एक काम करता है, तो जब हमारे फोन यहाँ पहली बूट होगी तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग देखने को मिलेगा, पर कुछ देर के बाद से हमारे फोन में जो ऑप्टिमाइजेशन होगा उसके बाद ये अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। और दोस्तों देख सकते हैं हमारे फोन में ये काम करने लगा। अगर आपके फोन में इनेबल नहीं है तो सिंपली आप लोग अपने फोन के सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना और आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना और फिर जाना आप लोगों को फुल स्क्रीन डिस्प्ले में, और वहां पर आने के बाद आप लोग को जो हाइट फुल स्क्रीन इंडिकेटर मिलता है इसे आप लोगों को डिसेबल कर देना है, और डिसेबल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आइकन के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने अपडेट कर लिया, अपडेट के बाद दोस्तों मैं क्या क्या फीचर देखने को मिले उसके बारे में आपको बताऊंगा, और अगर आपके फोन में अपडेट देखने को नहीं मिला तो आप लोग कैसे इसे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। बाकी दोस्तों बैटरी वगैरह की बात करें तो इम्प्रूवमेंट वगैरह की बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों नए फीचर्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पर राइट साइड करते हैं तो हमारी कंट्रोल सेंटर यहाँ पर इनेबल हो जाता है, और लेफ्ट साइड करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन शीट देखने को मिलता है। तो पहला दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड करते थे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शीट हमें ओपन होता था, लेफ्ट साइड करते थे तो हमें नोटिफिकेशन शीट ओपन होता था, तो उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। पर दोस्तों कंट्रोल सेंटर में जो ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिला अभी भी वो देखने को नहीं मिला जो हमें मी वर्ड 12.5 के अपडेट में देखने को मिलेगा। अगर राइट साइड करेंगे तो नोटिफिकेशन शीट, लेफ्ट साइड करेंगे तो कंट्रोल सेंटर इनेबल हो जाता है, तो खैर वो चीज देखने को नहीं मिला, पर जो बग हमें देखने को मिलता था उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा हमें एक और बग जो देखने को मिला तो अभी भी देखने को नहीं मिला, वो है कि अगर आप लोग रिसेंट मेन्यू में जाएंगे तो हमें यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो की जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो अभी भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जैसा कैसे आप लोग यहाँ फ्लोटिंग विंडो की जो सपोर्ट मिलता है, टैब मिलता है, वो आप लोगों को पोको X3 में भी देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है 12.5 के अपडेट जब मिलेगा तो उसमें हमें देखने को मिल सकता है, पर अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों फीचर्स की बात करें तो ज्यादा कुछ फीचर्स हमें देखने को नहीं मिला है। मैंने कई लोगों से भी यहाँ पर पूछा है, जिन लोगों को अपडेट मिला है उनसे भी मैंने पूछा है कि उनके फोन में कुछ नई चीज देखने को मिला, तो उनकी तरफ से भी कोई नई चीजें देखने को नहीं मिला। अगर आपको दोस्तों कोई नई चीज देखने को मिला तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, या इसके अलावा आप लोगों को बग्स वगैरह भी देखने को मिलता है दोस्तों तो उसके बारे में आप जरूर, ताकि इसकी जानकारी सब लोगों को मिल जाए कि हमारे पोको X3 में अपडेट के बाद से क्या क्या फीचर्स देखने को मिला है और क्या बग्स वगैरह देखने को मिला है। मुझे जो देखने को मिला है, जो मेरे नोटिस में दोस्तों आया, मैं उसके बारे में आप लोगों को सारी डिस्कशन यहाँ पे कर दूंगा, पर कुछ बग्स और कुछ फीचर्स अगर मेरे नोटिस में नहीं आया होगा दोस्तों तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर ड्रॉप करिएगा। मैंने अपना फोन को अपडेट कर लिया है, और अपडेट के बाद जो सब फीचर्स की बात करते हैं, चेंजेस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमें, अगर मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ तो व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं सिस्टम में चेंजेस मिलता है, और स्टेटस बाद नोटिफिकेशन सेटिंग में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिला, तो स्टेबल मी वर्ड बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 और मेक सिक्योरिटी पर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं अगर मैं आपको एंड्रॉइड वर्सन दिखाते हैं यहाँ पर, तो हमें एंड्रॉइड 11 की ऑफिशियल सपोर्ट देखने को मिल जाता है पोको X3 में गाइज, और सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं यहाँ पर तो मे की देखने को मिलता है, जबकि हमें पहले अप्रैल की देखने को। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरी चेंज हमें देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया कि GPS की जो टॉगल है वो रीनेमाइज कर दिया गया लोकेशन, तो अगर मैं आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पर स्वाइप करता हूँ और जो हमें लोकेशन वाली टैब देखने को मिलता है उसे यहाँ पर रीनेम किया गया, तो व्हाट्सएप में जो चेंज देखने को मिलता है उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ से पहले यहाँ पर GPS मिलता था पर इसे रीनेम किया गया, जबकि दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में बताया है कि पहले भी हमें लोकेशन के नाम से देखने को मिलता, तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर लोकेशन के नाम पर ही देखने को मिलता है। तो यही दो चेंज लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपके चेंज लोग में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो पोको X2 में हमें जो कैमरा की इशू देखने को मिला है कि नई अपडेट के बाद से एंड्रॉइड 11 के अपडेट के बाद से हमारा पोको X2 की जो कैमरा है काम नहीं कर रहा है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पोको X2 में दोस्तों आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सभी डिवाइसेस में अपडेट के बाद से इशू देखने को मिला, पर दोस्तों इस चीज में आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग के फोन अगर अपडेट मिला या फिर नहीं भी मिला तो एक बार आप लोग वेट कर लें फुल रिव्यू के, दोस्तों आप लोग वेट कर लें ताकि जब मैं फुल रिव्यू कर लूँ डे टू डे लाइफ में एक दो दिन में अपने फोन को सीधे कैसे यूज कर लूँ उसके बाद दोस्तों मुझे मालूम चल जाएगा कि कैमरा में कोई इश्यू है या फिर नहीं है। और दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो अभी के लिए तो बैटरी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने जस्ट अपने फोन को अपडेट किया है, तो 24 घंटा एटलीस्ट मैं अपने फोन को यूज कर लूँ, 24 से 48 घंटा मैं अपने फोन को यूज कर लूँ उसके बाद से दोस्तों मैं आप लोगों को बैटरी के बारे में भी रिव्यू दे दूंगा। तो फुल रिव्यू को दोस्तों आप लोग वेट जरूर करिएगा। बग्स के बारे में उसमें मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या बग्स इसमें देखने को मिला और क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपका फोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिला तो आप लोग कैसे इसे अपने फोन में मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, क्या वो अपडेट आपके फोन में करना सेफ होगा, और आप लोग ऑफिशियली OTA का अपडेट
का वेट करना चाहते हैं तो कब तक आपके फ़ोन में अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना सिस्टम अपडेट में जाकर चेक करना, आपका अबाउट फोन में सिस्टम अपडेट वाली पेज होता है वहाँ पर आप लोग को चेक करना कि आपके फ़ोन में कोई OTA आया है या फिर नहीं। जैसा कि दोस्तों मेरे फ़ोन में तो यहाँ पर OTA आया, मैं अपने फ़ोन को OTA के थ्रू अपडेट कर चुका हूँ, पर किसी किसी के फ़ोन में OTA नहीं आया दोस्तों। तो वो लोग अपने थ्री डॉट्स पर टैप करने के बाद चूज अपडेट पैकेज के मदद से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में थ्री डॉट्स पर टैप करने के बाद चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो MIUI 12 के लोगों पर आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है, और जैसे टैप करेंगे आपके एडिशनल फीचर्स ऑन हो जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट्स पर टैप करके चूज अपडेट पैकेज पर जाएंगे, और जहाँ भी आप लोगों ने फाइल को सेव किए होंगे जो आपके डिवाइस के लिए फाइल देखने को मिलता है, उस फाइल को आपको रिकॉर्ड करके आपको अपने फ़ोन में अपडेट कर देना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ फाइल का, उसे चूज करके अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, रिबूट एंड अपडेट का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस केस में हमारे डाटा तो कोई इरेज नहीं होगा, पर फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि सिक्योरिटी इज़ नंबर वन प्रायोरिटी, तो आप लोग अपने सभी इंपोर्टेंट डाटा का बैकअप जरूर से बना कर रख लीजिए ताकि कोई भी एरर हो तो आप लोग अपने बैकअप को रिस्टोर जरूर से कर पाएँ। दोस्तों इस केस में मेरा फ़ोन में तो अपडेट हो चुका, हो सकता है कि आपके फ़ोन में इस मेथड से अपडेट ना हो, क्योंकि अपडेट जो रिलीज़ होता है जब उनके सर्वर पर रोम अवेलेबल होता है तब आप लोग चूज अपडेट पैकेज के मेथड से अपडेट कर सकते हैं। जब उनके सर्वर से रोम को रिमूव कर दिया जाता है तब उस केस में आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर पाते हैं, मैनुअली अपडेट नहीं कर पाते, उसके लिए आप लोगों को ऑफिशियल OTA का वेट करना होगा। तो OTA के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो आपके जो सिस्टम अपडेट में जो OTA का अपडेट है आप लोग जो वेट कर रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में आज नहीं आया दोस्तों तो आपके फ़ोन में अगले एक वीक में देखने को मिल जाएगा।